किसी फिल्म का बजट अगर बहुत ज्यादा है तो वो एक एक्सपेंसिव फिल्म कहलाता है। और हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर आने वाले समय पे कुछ ऐसी फिल्में आने वाली है जिसका बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है, और किसी फिल्म का बजट तो 1,000 से 5,000 करोड़ की है। सो लेजेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 बड़ी अपकमिंग मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों के बारे में जिसका बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 में आता है स्पिरिट, प्रभास की फिल्म सलार, जो अभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी तरह से कलेक्शन कर रहा है। और सलार के बाद प्रभास की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है स्पिरिट, जिसका डायरेक्टर है संदीप रेड्डी भांगा, जिन्होंने रिसेंटली एनिमल फिल्म को डायरेक्शन दिया है। और स्पिरिट प्रभास की आने वाली एक कॉप थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जहां पर इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। एंड अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म का बजट होने वाला है 400 से 500 करोड़, जो कि एक पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जिसको साल 2025 में रिलीज के जाएगा। नंबर 9 में आता है क्रिस 4। साल 2003 में साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म कोई मिल गया से स्टार्टिंग हुआ क्रिस सीरीज का, और शक्तिमान के बाद हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो क्रिस को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद की, जिसके बाकी तीनों पार्ट्स को डायरेक्शन दिया था राकेश रोशन जी। लेकिन अभी क्रिस 4 का डायरेक्टर है करण मल्होत्रा, जिसके अंदर CGI एंड VFX काफी बेहतरीन तरीके का देखने को मिलेगा, जिसका बजट भी काफी हाई होने वाला है। और अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसको मेकर साल 2025 में रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। नंबर 8 में आता है दी गुड महाराजा। दी गुड महाराजा बॉलीवुड की 500 करोड़ की बजट पर बनने वाली फिल्म है, जो बेसिकली एक एक्शन पीरियड फिल्म होने वाली है, जिसका डायरेक्टर है विकास वर्मा, स्टीयरिंग संजय दत्त, निकिता बाग, शरद कपूर, प्रीति सिंटा एंड गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार। और बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को साल 2024 में रिलीज किया जाएगा। छीनोगे तो महाभारत, फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत। नंबर 7 में आता है दी इमोर्टल अशोधमा। इस फिल्म का अनाउंसमेंट काफी समय पहले हो चुका था, जिसके अंदर पहले विकी कौशल लीड रोल प्ले करने वाले थे, उसके बाद नाम आया अल्लू अर्जुन का। लेकिन अब इस फिल्म के अंदर लीड रोल प्ले करने वाले हैं शाहिद कपूर, जिसका बजट 600 करोड़ की है। ये मूवी बजट के कारण से बार बार पोस्टपोन होता गया, लेकिन अब मेकर्स इस मूवी को काफी बड़े स्केल पर बनाने की प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर शाहिद कपूर के साथ समंता लीड रोल प्ले करने वाले, जिसको पैन इंडियन स्केल पर बनाया जाएगा। और बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को साल 2025 से लेकर 26 के मौके में देखने को मिल सकता है। नंबर 6 में आता है काल्की 2898 AD। प्रभास की तरफ से एक और बड़ी बिग बजट की फिल्म काल्की 2898 AD, जो इंडियन सिनेमा के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों के लिस्ट में शामिल होती है। बजट है 600 करोड़, जिसको काफी बड़े स्केल पर बनाया गया है। फिल्म के अंदर आपको VFX एंड CGI इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जी जैसे और भी कलाकार नजर आएंगे। सो इस मूवी को 12 जनवरी 2024 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये फिल्म पोस्टपोन भी हो सकता है। नंबर 5 में आता है पुष्पा 2। पुष्पा 2 साल 2021 में रिलीज हुए पुष्पा का सीक्वल है, और पुष्पा 2 पुष्पा से भी काफी ज्यादा बड़ी फिल्म होने वाली है। पुष्पा फिल्म को जिस स्केल पर बनाया गया था, उससे भी काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बनने वाली है पुष्पा, जिसका बजट अप्रोक्स 600 करोड़ की है। जहां पर फर्स्ट पार्ट के अंदर पुष्पा भाव को हमें चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करते हुए देखने को मिला था, लेकिन अब सेकंड पार्ट के अंदर चंदन की लकड़ियों के साथ गोल्ड का भी स्मगलिंग करने वाले हैं, जो करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल में। पहले पार्ट को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन सेकेंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करने वाली है, जिसका शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और बात करें रिलीज की, तो पुष्पा 2 को साल 2024 में 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। अब रोल पुष्पा का। सो नंबर 4 में आता है SSMB 29। महेश बाबू एंड इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली सर एक फिल्म करने वाले हैं, जिसका नाम अभी रखा गया है SSMB 29। ये फिल्म टोटली 3 पार्ट्स में बनने वाली है, जिसका बजट अपडेट के अकॉर्डिंग 700 से 800 करोड़ की होने वाली, जो कि इंडियन सिनेमा की काफी बड़ी बजट की फिल्म है। जिस मूवी के अंदर एक्शन के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिलने वाला है। इस मूवी का बजट इतना हाई है, इस मूवी के VFX एंड CGI की तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी, जिसका डायरेक्टर है SS राजामौली सर। एंड इस फिल्म का
स्टोरी लिखा है उनके पिता केवी विजेंद्र जी ने, जिन्होंने बजरंगी भाईजान ट्रिपल आर जैसी फिल्म का स्टोरी दिया है। ये फिल्म काफी ग्रैंड स्केल पर बनने वाली है, जिसको पैन इंडियन नहीं पैन वर्ल्ड पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी के शूटिंग को कम्प्लीट होने में 6 साल लगेगा। और ऐसे साजा मौली सर महेश बाबू के साथ शूटिंग स्टार्ट भी कर चुके हैं, सो अभी देखते हैं ये फिल्म बनने में कितना समय लगेगा। नंबर 3 में आता है रामायण। सो रणबीर कपूर एनिमल के बाद रामायण के ऊपर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रामायण फिल्म हिंदू माइथोलॉजिकल के ऊपर बेस्ड हुई फिल्म है, जो कि इंडियन सिनेमा के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों के लिस्ट में शामिल होती है, जिसका डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, जिन्होंने छिछोरे एंड दंगल जैसी फिल्में दी है। और अब नीतीश तिवारी एक बिग प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं रणबीर कपूर, यश एंड साई पल्लवी के साथ, जहां पर रणबीर कपूर श्री राम जी के किरदार में नजर आएंगे और नेगेटिव रोल यानी कि रावण के किरदार में नजर आएंगे रॉकिंग स्टार यश। और बताया जा रहा है रामायण मूवी का बजट होने वाला है 800 से 1000 करोड़ की, जिसके अंदर CGI एंड VFX देखने को मिलने वाले हैं और ये काफी बड़े स्केल पर बनने वाली फिल्म है। ये फिल्म बेसिकली तीनों पार्ट्स में बनने वाली है, जिसका पहला पार्ट फोकस होगा राम जी यानी कि रणबीर कपूर के ऊपर, जिसका सेकंड पार्ट बेस्ड होगा रावण यानी कि यश के ऊपर एंड थर्ड पार्ट के साथ इस फिल्म का स्टोरी खत्म होगा। सो अगले साल इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट होगा, जिसको साल 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है और सेकंड और थर्ड पार्ट को आने वाले समय पे साल 2025 या 26 के मौके में देखने को मिल सकता है। नंबर 2 में आता है AA22। AA22 स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म है और AA22 1000 से 1200 करोड़ की बजट पर बनने वाली फिल्म है, जिसका डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास, जिन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ पहले 3 फिल्में कर चुके हैं और ये फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ त्रिविक्रम की 4th फिल्म होने वाली है, जिसको काफी ज्यादा बड़े स्केल पर बनाया जाएगा पैन इंडियन स्केल पर। और बात करते हैं इस मूवी की रिलीज की, तो इस मूवी को साल 2025 से लेकर 26 के मौके में देखने को मिल सकता है। नंबर 1 में आता है महाभारत। महाभारत पूरे इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, जिसको अपनी बेहतरीन डायरेक्शन देंगे SS राजा मौली सर, जो बेसिकली हिस्टोरिकल फिल्म के लिए जाने जाते हैं। और ये SS राजा मौली सर की आने वाली एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको अनऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था एक स्टेज शो के दौरान, और उन्होंने ये भी बताया था ये अगर बनती है तो टोटल 10 पार्ट में बनेगी, जहां पर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार इस फिल्म के अंदर नजर आएंगे, जहां पर ये 10 पार्ट का बजट टोटल 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। और महाभारत मूवी का बजट अप्रोक्स 5000 करोड़ की है, जो कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। सो यही था 10 बड़ी अपकमिंग मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी जिसका बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इनमें से कौन से मूवी के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना एंड कमेंट करके ये बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहे। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूल। सो आज के लिए इतना ही, चले वीडियो को खत्म करते हैं। 1951